नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रीन ऑर्गेनिक इंडिया पर। और आज हम बात करेंगे प्याज की बहुत ही अच्छी किस्मों के बारे में जो कि ज़्यादा पैदावार देती है। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन सी वो अच्छी किस्में हैं जो हमें काफ़ी मुनाफा दे सकती है और उनकी लाइफ भी बहुत अच्छी है, काफ़ी समय तक प्याज को स्टोर करके रखा जा सकता है। तो चलिए जानते हैं। पहले बात करते हैं भीमा सुपर की। प्याज की ये किस्म लाल होती है और ये किस्म लेट खरीफ में 40 से 45 टन प्रति हेक्टेयर यानी 400 से 450 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार देती है। और ये किस्म छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु के लिए बहुत अच्छी किस्म है। लेट खरीफ में ये किस्म रोपाई के 110 से 120 दिन में तैयार हो जाती है और खरीफ में जल्दी बिजाई अगर इसकी करते हैं तो 26 से 28 टन 260 से 280 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार देती है और 100 से 105 दिन में तैयार हो जाती है। इस किस्म का प्याज ज़्यादा सिंगल सेंटर्ड यानी जो अंदर जो होता है एक केंद्र वाला होता है और कुल मिलाकर ये किस्म जो है बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छी पैदावार देती है और काफ़ी अच्छा मुनाफा ये दे सकती है। भीमा रेड ये किस्म छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु के लिए अच्छी किस्म है। ये जो किस्म है रोपाई के 105 से 110 दिन में तैयार हो जाती है अगर लेट बिजाई करते हैं खरीफ में, और रबी सीजन में इसको लगाते हैं तो 110 से 120 दिन में तैयार होती है। और लेट खरीफ में 48 से 52 टन काफ़ी अच्छी पैदावार है, 480 से 520 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, और खरीफ में 19 से 21 टन की पैदावार देती है। और रबी के अंदर ये जो किस्म है 30 से 32 टन की पैदावार प्रति हेक्टेयर दे सकती है। और रबी में इस किस्म के जो प्याज हैं उनको 3 महीने तक स्टोर करके आप रख सकते हैं। भीमा शक्ति की अगर बात करें तो ये जो किस्म है उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए काफ़ी उपयुक्त किस्म है। और जो लेट खरीफ और रबी सीजन दोनों में इसकी बिजाई आप कर सकते हैं, दोनों में इसको लगा सकते हैं। इस प्याज गोल और लाल होती है, स्टोरेज लाइफ काफ़ी अच्छी है। ये किस्म रोपाई के 130 दिन में तैयार हो जाती है और ये थ्रिप्स के प्रतिरोधी किस्म है। इसके अंदर थ्रिप्स का प्रकोप काफ़ी कम रहता है और ये जो किस्म है करीब 46 टन प्रति हेक्टेयर यानी 460 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, और लेट खरीफ में जो बता रहा हूँ कि 460 क्विंटल, और रबी के अंदर ये जो किस्म है 42.7 टन प्रति हेक्टेयर की पैदावार देती है। काफ़ी अच्छी किस्म है ये भी, स्टोरेज लाइफ भी काफ़ी अच्छी है। अर्का निकेतन की अगर बात करूँ तो ये किस्म इसमें TSS 12 से 14 प्रतिशत है। ये हल्की लाल होती है, प्याज का वजन 100 से 180 ग्राम होता है, इसका प्याज जो होता है वो तीखा होता है और ये किस्म 145 दिन में तैयार हो जाती है और 34 से 37 टन 340 से 370 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार ये जो किस्म है अर्का निकेतन ये देती है। और प्याज की इस किस्म को 5 महीने तक स्टोर करके रखा जा सकता है, स्टोरेज लाइफ काफ़ी अच्छी है। अर्का कल्याण ये बाहर से गहरे लाल रंग की होती है और इसका जो प्याज का वजन है 130 से 180 ग्राम तक होता है और ये किस्म जो है पर्पल ब्लोच जो एक बीमारी है उसके प्रति काफ़ी सहनशील है और इस किस्म को खरीफ और रबी दोनों सीजन में उगाया जा सकता है। जो खरीफ के अंदर ये किस्म है 47 टन प्रति हेक्टेयर यानी 470 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार देती है और 140 दिन का समय ये रोपाई के बाद लेती है तैयार होने के लिए। एग्री फाउंड डार्क रेड ये प्याज की गहरे लाल रंग की वैरायटी है, इसका जो बाहरी कवर है गहरे लाल रंग का होता है और इसका जो साइज होता है 4 से 6 सेंटीमीटर का होता है और रोपाई के 95 से 110 दिन के अंदर यह तैयार हो जाती है। ये किस्म 40 टन प्रति हेक्टेयर 400 क्विंटल 2.5 एकड़ में की पैदावार देती है और इस किस्म की जो वैरायटी है एवरेज क्वालिटी की होती है, इस वैरायटी को ज़्यादातर एक्सपोर्ट किया जाता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, जानकारी इसमें आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग ग्रीन ऑर्गेनिक इंडिया।